नमस्कार दोस्तों आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं साधारण ब्याज ये पार्ट टू है और आप उनको बता दें इस तरीके से प्रश्न आजकल एग्ज़ाम में ज़्यादा रखे जाते हैं आज की वीडियो में हम टोटल चार प्रश्न ले रहे हैं ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे बहुत ही कम समय के अंदर दो फार्मूले बताएँगे छोटे छोटे ठीक है उसी फार्मूले के जरिए आप इसका मात्र पाँच सेकेंड में आंसर निकाल सकते हैं बहुत ही छोटा सा फार्मूला यानी एक ही स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा ठीक है वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना देखिए सूत्र पहले हम यहाँ पर जो है डिस्कस कर लेते हैं देखिए यहाँ पर दो ही चीज़ें इस तरीके से पूछी जाती हैं या तो आपसे पूछ लेगा दर निकालने को ठीक है या फिर आपसे पूछेगा समय कि समय कितना लगा तो समय निकालने को आएगा या फिर दर और यहाँ पर फार्मूला सेम ही रहेगा दोनों का ठीक है अब कैसे देखिए यहाँ पर दो गुना तीन गुना दिया जाता है तो गुना से हमें माइनस करना है तो यहाँ पर क्या लिखना है गुना से एक माइनस करना है और इसी को गुड़ा कर देना है सौ से ठीक है जब दर निकालने को आएगा तो समय आपको दिया जाएगा उसमें क्वेश्चन में समय दिया जाएगा तो यहाँ रख देना फिर से फार्मूला वही रहेगा गुना दो गुना तीन गुना चार गुना बोलेगा उसमें से एक कम कर देना है और सौ से यहाँ पर गुणा कर देना है फिर समय जब निकालने को आएगा तो क्वेश्चन में दर दिया जाएगा तो चारों प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे बारी बारी से बहुत ही आसान है प्रैक्टिस हो जाएगी छोटी सी वीडियो है ठीक है देखिए कोई धन पंद्रह वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का दुगुना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए तो हमें ब्याज की यहाँ पर क्या बतानी है दर बतानी है बोला गया पंद्रह वर्ष में तो यहाँ पर समय दिया गया है अपने का दुगुना हो जाता है कितना दुगुना हो जाता है दो गुना तो गुना की बात की थी तो दो, दो लिखो इसमें से एक माइनस कर दो फार्मूले का यहाँ पर जो भी वन दिया था गुणा कर देना है सौ से जैसा कि फार्मूले में बताया था अब समय दिया जाता तो समय यहाँ पर दिया गया पंद्रह बस हो गया आपका तो यहाँ से माइनस करेंगे तो दो से एक जाएगा बचेगा एक गुड़ा हो जाएगा कितना सौ अब बटे में रहेगा कितना पंद्रह ठीक है तो यहाँ जब काटेंगे तो पान से कटेगा पान तियाँ पंद्रह और पान दूना दस यानी ऊपर बची है बीस संख्या और नीचे बची है संख्या पाँच जब सॉरी तीन ठीक है तो तीन से जब बीस में भाग देंगे तो तीन छाक अट्ठारह यानी छः बार लगेगा दो बच जाएगा नीचे बचेगा तीन यही हमारा प्रतिशत में आ जाएगा आंसर ठीक है तो आंसर देख सकते हैं छः सही दो बटा तीन प्रतिशत यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर है बशर्तें वैल्यू रखनी है उसके बाद यहाँ सॉल्व कर लेना है आपका आंसर आ जाएगा पाँच सेकेंड का, का काम है अगला प्रश्न दिया गया साधारण ब्याज की किस दर से इसमें भी दर निकालने को आएगा अगले दो प्रश्न है उसमें समय निकालने को आएगा ठीक है तो साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन पाँच वर्ष में अपने का दुगुना हो जाता है तो इसमें भी बोला गया था पाँच वर्ष में अपने का दुगुना तो दो गुना तो दो से एक माइनस करिए यहाँ पर और सौ से गुणा करिए ठीक है और नीचे जो हमारा समय दिया जाए समय से भाग दीजिए यहाँ पर तो दो से एक जाएगा बचेगा एक गुड़े में कितना बचा यहाँ पे सौ था और अपॉन में नीचे कितना पाँच था पाँच एक पाँच कटेगा पाँच दूना दस यानी जीरो तो कितना आ गया बीस प्रतिशत आ गया कितना बीस प्रतिशत तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न दिया गया एक धन दस प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में चार गुना हो जाएगा देखिए यहाँ पर कितने वर्ष में अब समय पूछ लिया गया तो हमें समय जब भी निकालना होगा तो फॉर्मूला सेम लगाना है गुना से हमें कम करना है तो कितना है यहाँ पर चार गुना चार गुना तो गुना से एक कम करना है और सौ से गुणा कर देना है ठीक है और देखिए जब समय निकालना होगा तो नीचे दर दी लिखी जाएगी तो दर यहाँ पे दी गई कितनी है दस ठीक है तो चार से एक जाएगा बचेगा कितना तीन और इधर था हमारा सौ गुड़े में कितना हो गया दस एक जीरो कटा एक जीरो कटा दस कितना हो जाएगा तीस तो इस तरीके से तीस वर्ष हमारा यहाँ पे समय निकलेगा तो कितना निकलेगा तीस वर्ष यानी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी राइट आंसर है अगला प्रश्न दिया गया कोई धन पाँच प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में तीन गुना हो जाएगा कितने वर्ष में यानी फिर से समय पूछ लिया गया यहाँ पर तो दो ही तरीके से इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं या तो समय या तो दर पर आधारित तो दोनों प्रश्न हमने शामिल किए हैं तो गुना से आप कम करिए एक और इसमें गुणा करिए सौ से भाग दीजिए दर से तो देखिए कोई धन पाँच प्रतिशत वार्षिक ब्याज से अब यहाँ पाँच प्रतिशत दिया गया है बस सॉल्व कर दीजिए तीन से एक जाएगा दो बचेगा गुड़े में कितना था यहाँ पे सौ और बटे में कितना था पाँच तो पाँच से, से काटेंगे पाँच कम पाँच अब पाँच दूना दस हो जाएगा तो 20 दूनी कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 40 हो जाएगा कितना हो जाएगा 40 तो यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर देखेंगे इसका राइट right आंसर दिया गया है 40 आ जाएगा तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना शेयर कर देना चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा